तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे यार। पिछली वाली वीडियो से इतना मस्त रिस्पांस दिया आपने कि अब हमारी YouTube फैमिली 500 प्लस हो चुकी है। बस आप लोग की वजह से यार, ऐसे ही प्यार देते रहना और हम लोग डेफिनेटली आगे बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो मेरा नाम है शिवांश, आप देख रहे हैं ट्रेल माई टैग। चलिए टैग मचाते हैं। यार आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ई सिम क्या होता है, ई सिम पर वीडियो बनाओ। तो यार YouTube पे इतनी सारी वीडियो पड़ी है, वहां पर जाके देखो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। बहुत ही ज्यादा भद्दा मजाक और लेम मजाक आप लोग के साथ कर दिया मैंने, इसके लिए माफी चाहता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं ई सिम से। ई सिम एक तरह का एम्बेडेड सिम होता है जो आपके फोन, अनलाइक जो आजकल के सिम है माइक्रो सिम, मिनी सिम या फिर आप कह सकते हो नैनो सिम, तो इन सब सिम से बहुत अलग होता है। ये पहले से ही आपके मोबाइल में लगा होता है तो आपको कोई भी फिजिकल सिम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड सिम एक्टिवेशन में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है आपको। ई सिम के लगे होने से मतलब ये है कि ये आपके मोबाइल का एक इंटीग्रल पार्ट होता है और ये एक तरह का प्रोग्रामेबल सिम भी है। तो इससे आसानी क्या हुई कि अगर आपको नेटवर्क स्विच करना है किसी भी दूसरे कैरियर पे तो बहुत ही आराम से स्विच कर सकते हो। आपको बस अपने नेटवर्क प्रोवाइडर को या फिर कैरियर को बस मैसेज करना है और आपका नेटवर्क जो है वो दूसरे कैरियर पे स्विच हो जाएगा। तो इसलिए इसको एज अ प्रोग्रामेबल सिम भी कहा जाता है। इससे हमें क्या फायदा हुआ कि हमें नेटवर्क प्रोवाइडर या फिर नेटवर्क प्रोवाइडर कैरियर के पास जाना नहीं पड़ा और हमारा सिम जो है वो रिमोटली एक्टिवेट हो गया और जो स्विचिंग है वो भी रिमोटली हो गई। तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो ई सिम से अवॉइड हो जाती हैं और आपको 10 तरीके की कॉल नहीं करने पड़ते हैं कि मुझे अपना सिम पोर्ट कराना है, फिर आपका सिम कुछ घंटों के लिए बंद होता है, फिर आपको सिम मिलता है अगले नेटवर्क प्रोवाइडर से। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैक्टिक जो भी चीज़ें होती हैं अवॉइड हो जाती हैं। सिम की अगर मैं बात करूँ तो सिम का एब्रीविएशन होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो सब्सक्राइबर से दोस्तों याद आया कि कर दो यार सब्सक्राइब, मैं 2 सेकेंड तक वेट करूँगा, सब्सक्राइब कर दो। एक 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 दो कर दो यार। देखा कितना अच्छा रिलेट किया मैंने। तो बकवास से हटकर हम काम की बात पे आते हैं। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल मतलब सिम, ये आपकी आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट करता है जिससे आपने सिम लिया है। जैसे कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी हो गई, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, इनको आपकी आइडेंटिफाई ऑथेंटिकेट कराता है। सिमिलरली ई सिम भी ऐसे ही काम करता है लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम पे वर्क करता है। जैसे कि फिजिकल सिम होते हैं उनको आपको लगाना पड़ता है और फिर उसके बाद एक्टिवेट होते हैं, लेकिन ई सिम में ऐसा कोई भी झमेला आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको आप खुद ब खुद ई सिम को एक्टिवेट कर सकते हो। बात करता हूँ अगर मैं ई सिम का पहला डिवाइस कौन सा था तो वो था एक गियर, ये वाला गियर नहीं, सैमसंग का सैमसंग गियर 2 वॉच में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। ई सिम को यूज करने के फायदे क्या है कि आपको नेटवर्क स्विचिंग में आसानी होगी। पहला जो मैं आपको बता चुका हूँ, एक प्रोसेस है मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के नाम से, इसको आप यूज करके अपने सिम करियर को आप कहीं भी स्विच कर सकते हो बहुत आराम से, ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाइना को छोड़ के, वहाँ पे एक्सेप्शन है, वहाँ पे चमगादड़ लोग खाते हैं इसलिए एक्सेप्शन है। अगर आप किसी कंट्री में गए हो, ई सिम के यूज करके आप वहाँ के जो करियर मोड है, वहाँ का जो नेटवर्क करियर है स्विच कर सकते हो वहाँ पे, बस आपको प्लान खरीदना है। इस प्रोसेस को यूज करके आप नेटवर्क प्रोफाइल चेंज कर सकते हो बहुत आराम से। दूसरी अच्छी बात क्या है कि आपको सिम खोने की जो झंझट है उससे दूर, मतलब अभी के टाइम में सिम नहीं खोते हैं लेकिन फिर भी अगर सिम खो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, दोबारा सिम बनवाना पड़ता है, या फिर अगर मान लो इन केस मोबाइल ही चोरी हो गया तो वहाँ पे फिर आपको नया सिम बनवाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। एम्बेडेड सिम का फ़ायदा यही है कि आपको सिम खोने से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात एक और क्या है कि अगर आपका मान लो, आपका नहीं बार बार आपका बोल रहा हूँ, अगर किसी का मोबाइल चोरी होता है इन केस, तो जो भी चोर है वो सिम नहीं निकाल पाएगा और इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा कि आप अपने मोबाइल को ट्रैक कर सकते हो, कहीं भी सर्वेलांस में उसको एक्टिवेट करा सकते हो। अगर मान लो मोबाइल चोरी हुआ तो सिम निकाल के फेंक दिया जाता है, फिर तोड़ के फेंक दिया जाता है और फिर आप अपने मोबाइल को ट्रैक नहीं कर सकते हो। IMEI से आप ट्रैक कर सकते हो, उसकी भी एक ऑप्शन है, लेकिन अब आप सिम से भी ट्रैक कर सकते हो क्योंकि सिम तो कोई निकाल नहीं पाएगा, ये अच्छी बात है। तीसरा, जैसे कि आपको पता ही होगा कि अब के टाइम पे हेडफोन जैक्स नहीं आ रहे हैं, जितने भी मोबाइल में जो छेद वगैरह हैं वो बंद किए जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि पहला तो मोबाइल एक यूनिबॉडी बनता है और दूसरा जो ट्रे वगैरह होती हैं इससे भी उनको अवॉइड जाता है और वाटर प्रूफिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब सारी चीज़ें अवॉइड जाती हैं। तो सिम ई सिम की होने की वजह से आपको सिम अंदर मिलेगा, बाहर कोई भी सिम नहीं होगा, तो आपकी जो मोबाइल की बॉडी होगी वो एक पूरी यूनी बॉडी होगी और कहीं भी आपको स्लॉट वगैरह सिम वगैरह एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथे ही मैं बात करूँ, 5G आने वाला है, तो मतलब 5G बहुत सारे फ़ोन्स में आ गया है एंड करेंटली वर्क भी हो रहा है।
तो जिन लोगों के पास सिम है तो उन्हें हो सकता है 5G सिम खरीदने की ज़रूरत पड़े, जैसे कि हमें पड़ी थी 4G सिम हमें खरीदना पड़ा था, कुछ कुछ लोग को नहीं भी खरीदना पड़ा था, उनके पे 4G अपने आप एक्टिवेट हो गया था। लेकिन अगर 5G आ रहा है तो आपको हो सकता है सिम खरीदना पड़े। ऐसा एम्बेडेड सिम के साथ या फिर ई सिम के साथ नहीं होने वाला है, जितने भी फ़ोन 5G के साथ आ रहे हैं तुरंत के तुरंत उन पे एक्टिवेट 5G हो जाएगा बिना किसी झंझट के। और अगर उन्हें अपना करियर भी स्विच करना है तो वो बहुत आराम से स्विच हो जाएगा। तो दोस्तों, एक फ़ोन है मोटरोला रेजर के नाम से, ये फ़ोन टोटली ई सिम पे ही वर्क करता है, इसमें कोई भी एक्सटर्नल स्लॉट नहीं है सिम का। तो आप लोग समझ सकते हो कि क्यों नहीं ई सिम। ये 20% लाइटर होता है ट्रेडिशनल सिम से, 98% स्मॉलर होता है ट्रेडिशनल सिम से। तो ई सिम जो आने वाले टाइम में डेफिनेटली यूज़ होने वाला है। और ई सिम की खास बात क्या है कि ये स्मार्ट वॉच में भी यूज़ हो रहा है, तो आपको एक्सटर्नल सिम स्लॉट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पता है कि स्मार्ट वॉच बहुत कॉम्पैक्ट और छोटी होती हैं, तो अगर आप इसमें इतना बड़ा सिम ही लगा दोगे तो उसमें जगह ही क्या बचेगी। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए ही ई सिम को लाया गया है। और जो ई सिम का फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, यहाँ तक कि गाड़ियों में भी ई सिम यूज़ किया जा सकता है और वॉचेस में तो यूज़ हो ही रहा है ऑलरेडी। दोस्तों, एक और बात मुझे याद आई कि ई सिम जब, अगर मान लो आप सिंपल कोई ट्रेडिशनल सिम खरीदने जाते हो, जो कस्टमर केयर होता है टेलीकॉम सर्विस का, वो सिम के भी चार्जेस लेते हैं। तो यहाँ से सिम के चार्जेज होते हैं वो भी आपको देने नहीं पड़ेंगे अगर आप करियर दूसरे करियर पर स्विच कर रहे हो। और एक और बात, अगर बहुत सारे लोग, आपको पता है कि अब्रॉड भी जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ उनके करियर पर स्विच कर जाओ, उनका प्लान खरीद लो, आपको रोमिंग चार्जेस से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ई सिम को बहुत आगे ले जाने वाली हैं और डेफिनेटली फ्यूचर में हमें बजट फ़ोन में भी ई सिम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इतना ही था इस वीडियो के लिए, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन, बाय बाय। दोस्तों, एक बात मैं आपको भूल गया बताना कि नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को दबाना, दबा दो यार, मोटिवेशन दे दो, अच्छा मोटिवेशन दे रहे हो। और लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और कमेंट में बताना कि क्या आप लोग ईसिम वाला फ़ोन लोगे आने वाले टाइम पे। और यार, आप लोग कमेंट में ये भी बताओ कि किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ। तो फटाफट कमेंट कर दो और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना भूल गया।